हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठंडियों का सीज़न चल रहा है, तो मैं मूली के पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़्यादा ही अच्छा लगता है ठंडियों में खाने में और सबको पसंद आती है ये मूली के पराठे। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने मूली को अच्छी तरह से धुल लिया है। धुल कर ये जो पत्ती है इसको मैं अच्छी तरह से तोड़ लूँगी। मैंने एक प्लेट में इसको अच्छे से रख लिया है। देखिए, सारे पत्ती को मैंने तोड़ लिया है। और इसके बाद हम कद्दूकस करेंगे। सारे मूली को इसी तरह हम कद्दूकस कर लेंगे। देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने कद्दूकस कर लिया है सारे मूली को। और हाथों से अच्छे से दबा दबा कर इसका सारा पानी निचोड़ लेंगे, ताकि इसमें पानी न रह जाए। इसी तरह हम सारे मूली को अच्छी तरह से दबा दबा कर सारे पानी निचोड़ लेंगे, ताकि इसमें पानी न रह जाए और ये अच्छा हो जाए, ताकि मूली सूखा सूखा लगे। पराठा बनाने में बहुत ही आसानी रहेगा। इसका सामान हम तैयार कर लेते हैं। लहसुन को कट कर लिया, मिर्चा, धनिया और इसमें मैंने चार प्याज को कट कर लिया है। उसके बाद हम कढ़ाई लेंगे, मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद हम जीरा ऐड करेंगे। जीरा ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से सोटे कर लेंगे। उसके बाद जो मैंने लहसुन कट किया था उसको ऐड करेंगे। इसको भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे ब्राउन होने तक। उसके बाद मिर्चा ऐड करेंगे। कितना आप लोग तीखा खाते हैं उसके हिसाब से आप लोग मिर्चा ऐड कर सकते हैं। सारे मिर्चे को भी हम इसी में भून लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद हम प्याज ऐड करेंगे। प्याज ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह से इसको भी भूनेंगे ब्राउन होने तक। हमको हाई फ्लेम पर ही इसको अच्छी तरह से भूनना है और चलाते रहेंगे, ताकि ये जले ना अच्छी तरह से। उसके बाद जो मैंने मूली रखा था उसको ऐड करेंगे। इसको भी हम अच्छी तरह से भूनेंगे हाई फ्लेम पे ही इसको भूनेंगे, और इसको हम चलाते रहेंगे ताकि ये जले ना। उसके बाद हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, मसाला ऐड करेंगे गरम मसाला मैंने। उसके बाद चाट मसाला ऐड करेंगे। अगर आप लोग को अच्छा ना लगे तो आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद हम सारे मसाले को अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए, ये मेरा अच्छे से मसाला मिक्स हो गया है। इसमें ऊपर से हम धनिया ऐड करेंगे। धनिया डालने के बाद इसका स्वाद और ही बढ़ जाता है। उसके बाद हम एक थाली में इसको निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए, ताकि पराठा बनाने में आसानी रहे। अब हम इसका डो तैयार कर लेते हैं। मैंने आटा ले लिया है और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। उसके बाद ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद इसको हम हाथों से अच्छी तरह से मिला लेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद जो डो बन कर तैयार होता है वो ज़्यादा ही मुलायम रहता है। ऑयल डालने के बाद हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा पानी ऐड करके हाथों से अच्छी तरह से हम इसका हम डो तैयार कर लेंगे। हमको कड़ा डो नहीं बनाना है, नरम ही डो बनाना है। और हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर अच्छे से हम इसका डो तैयार कर लेंगे। हमको नरम ही डो तैयार करना है, ताकि पराठा बनाने में आसानी रहे। देखिए, ये हमारा डो बनकर बिल्कुल तैयार है। इसको हम रख लेंगे 10 मिनट के लिए। देखिए, इसके बाद हम इसका हम छोटा छोटा लोई बना लेंगे। छोटी बड़ी लोइयाँ आप कट कर सकते हैं। इतना बड़ा आप लोग को पराठा बनाना है, मैं छोटा छोटा लोई कट किया है। देखिए, हाथों से कटोरी जैसा शेप बनाते हुए इसको हम अच्छी तरह से भर कर हाथों से प्रेस करते हुए दबाकर अच्छी तरह से हम इसका मुंह बंद कर लेंगे। और जो ऊपर का बचता है उसे हम रख देंगे हाथों से प्रेस पहले दबाकर, उसके बाद हल्के हाथों मेलेंगे, ताकि ये पराठा फटे ना और अच्छे से हमारा तैयार हो जाए। उसके बाद हम तवे पर रख कर अच्छी तरह से दोनों तरफ से घुमा कर उसके बाद हम पलट देंगे। दोनों तरफ हम ऑयल लगाएंगे, ताकि अच्छे से ये हमारा पराठा बनकर तैयार हो जाए और खाने में ज़्यादा ही अच्छा लगे। ऑयल लगा लेंगे दोनों तरफ से, ताकि ये अच्छे से हो जाए। देखिए, हम दोनों तरफ ऑयल लगा लिए हैं। उसके बाद ये अच्छे से एकदम पराठा बनकर एकदम तैयार है। देखिए, बिल्कुल एकदम फुला फुला पराठा है। उसको हम प्लेट में निकाल लेंगे और खाने में ज़्यादा ही अच्छा लगता है पराठा। आप लोग को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। आप लोग जरूर ट्राई करिएगा ठंडियों में
देखिए मैं इसको तोड़ते हुए दिखाई हूँ और इसको खीर के साथ खाने में ज़्यादा ही अच्छा लगता है। आप लोग किसी भी चीज़ के साथ या सेवई या सब्जी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं।